श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि कल दिनांक 1 दिसंबर को गुरुवार के दिन मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी तिथि का पवित्र दिन है। और आज की इस वीडियो में आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 4 महाउपाय बताने वाले हैं। गुरुवार का दिन विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है और शुक्र ग्रह जीवन में धन वैभव सुख समृद्धि और ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति करवाते हैं। जिसका भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसीलिए विशेषकर शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है, जो हमारे जीवन में सुख शांति देते हैं और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में शुक्र ग्रह को मजबूत करना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि उसका जो जीवन जो है वो सुख में बीते। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होगा, धन की प्राप्ति के लिए होगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान से उपाय है। पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर के और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्ते जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, 4 जो उपाय हैं उसमें से विशेषकर पहला जो उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होगा, और दूसरा जो उपाय है वो विशेषकर हरी इलायची का होने वाला है, जो कि धन संपदा को बढ़ाने वाला है, और तीसरा जो उपाय है विशेषकर लंबी बाती का होने वाला है, जो कि जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाता है, और चौथा जो उपाय है वो विशेषकर खास होने वाला है, क्योंकि वह धन संपदा को बढ़ाने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पहला उपाय, अगर आपको ऐसा लगता है आपका जो शुक्र ग्रह है वो बहुत ही कमजोर अवस्था में है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पे छड़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको 11 चावल के दाने यानी कि 11 अक्षत के दाने लेना है। देखिए दोस्तों, चावल के जो दाने वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, अब इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर आपको प्रदोष काल के समय में ही करना है। तो देखिए दोस्तों, प्रदोष काल का जो समय वो सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले वो शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि ये 1.5 घंटे का समय, हमें इसी को प्रदोष काल का समय कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको प्रदोष काल के समय में समय नहीं मिल पाता तो आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन सभी सामग्री को लेकर के आपको सीधे भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो चावल के दाने वो आपको एक एक करके उसी पात्र के अंदर डालते जाना है। और देखिए दोस्तों, चावल के दाने डालते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है, यानी कि आपको 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक एक चावल का दाना डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, अब इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो एक बेलपत्र है वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। तो देखिए दोस्तों, बेलपत्र का जो खुरदुरा वाला भाग है यानी कि चिकना वाला भाग आपके ऊपर की साइड रहेगा और खुरदुरा वाला भाग आपकी हथेली की तरफ रहेगा। और देखिए दोस्तों, इसकी जो डंडी है वो आपको अपनी तरफ रखना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और इस प्रकार से आपको इस बेलपत्र को अपनी हथेली पर रखना है। तो देखिए दोस्तों, उसी के ऊपर आपके पास जो एक तांबे के पात्र में एक लोटा जल है उसी के ऊपर आपको रख लेना है। तो देखिए दोस्तों, अब इसी हाथ से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का जो जल का पात्र इसे समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जल समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है और शुक्रेश्वर महादेव जी का अपने मन में स्मरण करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, अगर पात्र के अंदर चावल के दाने रह जाते हैं तो आपको अपने सीधे हाथ से निकाल करके शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अब यह पात्र आपको अपने साइड में रख देना है। देखिए दोस्तों, अब आपके हाथ में जो एक बेलपत्र है उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जो माता सुख सुंदरी वाला स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो भगवान शिव जी की शिवलिंग से स्पर्श होगी, उसकी डंडी है वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है और इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र भी समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है धन संपदा की प्रार्थना करते हुए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक हरी इलायची लेना, हरी इलायची आपको साबुत लेना, हरी इलायची कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए और इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो इसी के साथ में आपको एक स्टील के पात्र में 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना और उसके अंदर आपको जल मिला देना है और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। तो देखिए दोस्तों, शुक्रवार का दिन होता है वो देवियों को समर्पित होता है और जो हरी इलायची है वो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और हरी इलायची जो है वो धन को खींचने का कार्य करती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो एक हरी इलायची वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो एक लोटा जल है यानी कि जो कच्चा दूध मिलाया हुआ जो जल आप अपने घर से लेकर के आए थे उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही इस हरी इलायची पर आप कच्चा दूध समर्पित करते हैं और यह कच्चा दूध भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जैसे ही अर्पित होता है वैसे ही आपके जीवन में जो धन की समस्या है वो सभी दूर हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, अंत में आपके पास जो एक लोटा तांबे के पात्र में जल है वो भी आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना और आपको श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, हरी इलायची आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाती है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है अगर आप हरी इलायची भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा
द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, तीसरे उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, दीपक के अंदर आपको लंबी वाती का ही प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको लाल वाती का ही प्रयोग करना है और गाय के शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग आपको उसके अंदर करना है। और यह जो लंबी वाती का दीपक है आपको शुक्रवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लेकर के जाना है। तो देखिए दोस्तों, इस दीपक को आपको सबसे पहले बेलपत्र के वहां पर प्रज्वलित करना है और इस दीपक का मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यह दीपक को प्रज्वलित करने से घर के जो क्लेश हैं वो सभी दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और वैभव बढ़ता है। इस प्रकार से आपको एक दीपक वाला उपाय जरूर कर लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए चौथे विशेष उपाय के बारे में, जो कि विशेषकर धन प्राप्ति के लिए होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक कमलगट्टा लेना है। तो देखिए दोस्तों, कमलगट्टा अगर आपके पास नहीं है तो आपको पूजन सामग्री की दुकान पर बहुत ही आसानी से कमलगट्टा प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कमलगट्टा शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन में धन संपदा की प्राप्ति होती है और साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने ही जो आपके पास जो कमलगट्टा है वो उसी पात्र के अंदर आपको डाल देना है और वापस से जो आपने कमलगट्टा उस पात्र के अंदर डाला था वो आपको वापस से उस पात्र के अंदर से निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों, अब जो कमलगट्टे से युक्त जल है ये आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, तो देखिए दोस्तों, जैसे ही ये जल आपको सब भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वैसे ही आपके जीवन में जितनी भी धन संपदा से लेकर के समस्याएं वो सभी दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं। और अंत में आपके पास जो ये कमलगट्टा बचा हुआ है वो भी आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही ये कमलगट्टा आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे वैसे ही आपके जीवन में धन आने के नए नए मार्ग बनने लग जाएंगे। अगर आपका कोई व्यापार रुका हुआ है तो वो भी चलने लग जाएगा और आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु ने बताया ये चारों ही उपाय आपको शुक्रवार के दिन करने से चूकना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में आपको चार महा उपाय बताए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगे उसको आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उपाय को करते से हम किसी भी प्रकार की गलती ना करें इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई भी बात समझ में ना आई हो तो हमसे कॉमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको कॉमेंट करके रिप्लाई दे देंगे। और उपाय को करते समय आप कोई भी गलती ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।